वेलकम टू द चैनल एवरीवन। पठान ने आग लगा दी है, हर पॉसिबल रिकॉर्ड वो तोड़ चुका है या तोड़ने वाला है। सो अ वेरी गुड स्टार्ट टू 2023 एंड आई होप दिस ईयर विद जवान एंड डनकी ओनली कीप्स ऑन गेटिंग बेटर। आज की इस वीडियो में वी आर ट्राइंग टू सम अप इन लेस देन 5 or less than 6 minutes द मैजिक ऑफ SRK एंड व्हाई डू वी से कि हैशटैग SRK इज लाइफ। हैशटैग SRK लाइफ तो परम सत्य है ही, पर मोर इम्पॉर्टेंटली SRK लव भी तो है। और वैलेंटाइंस डे के कोर वैल्यू प्रॉप लव के लेसन्स यानी प्यार के फंडे हमारे जनरेशन को तो फॉरएवर SRK ही से मिले। मैंने तो लिए ही एसेंस माय बचपन। अब देखो ना, आई एम अ 90s किड बॉर्न इन 1989 एंड आफ्टर डिस्काउंटिंग माय अर्ली चाइल्डहुड अमनीजिया इयर्स, जब मेरी कोर मेमोरीज मिड 90s में किक इन हुई, तो द फर्स्ट यूफोरिया आई फेल्ट वाज ऑफ DDA और द बिगेस्ट टेक अवे फॉर अ 6-7 ईयर ओल्ड मी हु वाज येट टू डिस्कवर फर्स्ट हैंड लव फ्रॉम दिस राज सिमरन सागा वाज दैट रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड्स, नो मैटर हाउ ऑपोजिट यू माइट बी एज पर्सनालिटीज, लव कैन प्रॉस्पर एंड दैट व्हेन इट डज हैपन इट ट्रांसेंड्स ऑल बॉर्डर्स, चेंजेस यू फॉर द बेटर एंड प्रिवेल्स इफ यू हैव बिलीफ। मतलब उस टाइम ऐसे शब्दों में नहीं चमका होगा कुछ, पर सिंपल बात समझ आ गई थी कि भाई प्यार करना है तो राज की तरह करना है। जितना मर्जी नालायक हो कोई लाइफ में, जब सिमरन मिल जाए तो उसे खोना नहीं, और पाना भी हो तो सही ढंग से, सबकी रजामंदी से, हक से। देन फॉर पीपल हु वर लुकिंग फॉर देयर राज सिमरन्स एंड वर हैविंग नो लक, SRK केम अगेन विद दिल तो पागल है टू रीअफर्म दैट समवन समवेयर is made for you, तो घबराने का नहीं। पर आई थिंक मोस्ट ऑफ अस स्टिल लैक्ड क्लैरिटी, सो अ ईयर लेटर कुछ कुछ होता ने समझाया कि बेटे प्यार एक्चुअली है क्या, कि प्यार दोस्ती है। एंड कोइंसिडेंटली दैट वॉज द टाइम वेन किड्स ऑफ माई एज एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर। एंड जस्ट दिस लेसन ऑफ हाउ फ्रेंडशिप इज पैरामाउंट फॉर लव रियली हेल्प शेप सम ऑफ द बेस्ट चाइल्डहुड बॉन्ड्स, एंड इट एक्सप्लेन ब्यूटिफुली द वैल्यू ऑफ बोथ बींग फ्रेंड्स एंड बींग इन लव। और तब स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी हम सबकी पहली मोहब्बतें, एंड लो एंड बिहोल्ड SRK केम विद मोहब्बतें द मूवी टू एक्सप्लेन दैट लव जब हैपन्स तो लिव्स फॉरएवर एंड इज इटर्नल, एंड दैट द वॉर्म्थ ऑफ लव सॉफन्स इवन द मोस्ट हार्डन्ड सोल्स, एंड दैट वी शुड नेवर गिव अप ऑन लव। ही मेल्टेड अस व्हेन ही सेड, मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है, हर मूड आसान नहीं होता, हर मूड पर खुशी नहीं होती, पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते फिर मोहब्बत का साथ क्यों छोड़े। उफ, और उस टाइम हमने डिसाइड कर लिया कि भाई मोहब्बत का साथ तो कभी नहीं छोड़ना। और अगले ही साल K3G में किंग ने नेक्स्ट लेसन में समझाया कि मोहब्बत जिससे करो उसका साथ भी कभी मत छोड़ो। इवन इफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग योर ओन फैमिली इज अगेंस्ट योर लव, यू शुड स्टैंड अप फॉर योर लव। डिफरेंसेस हर फैमिली में हो सकते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और आफ्टर ऑल All the ups and downs के बाद भी love is bound to find a home। और next chapter कल हो ना हो में तो end ही करवा दिया His Highness ने by showing that even if you can't be there for the one you love in this life, how to leave enough love for them to last their lifetime। He said it best, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा और उसके बाद भी। और फिर जब वीर ज़ारा, वन ऑफ माई फेवरेट लव स्टोरीज अराइव्ड, तो फॉर अ 15 ईयर ओल्ड मी द एफर्वेसेंस ऑफ लव कुड नॉट बी मोर वाइवेशियस। द फिल्म बेलोड अस टू वैल्यू प्रोटेक्टिंग द सैंक्टिटी ऑफ योर लव अबव एवरीथिंग एल्स एंड अर्ज्ड अस टू लिव फॉर द ड्रीम्स ऑफ द वन यू लव बिफोर एवरीथिंग एल्स। वाकई में समझना मुश्किल हो गया था कि वो खुदा के रूप में इंसान थे या इंसान के रूप में खुदा। इट वॉज स्टनिंग टू सी हाउ लव कैन ओनली ग्रो विद एज एंड दैट व्हेन लव बीट्स इन योर हार्ट, Even being alone does not mean you are lonely। और इसी सब के बीच में हम सब बड़े हो गए, प्यार करने लगे, प्यार खोने लगे, पाने लगे। और जिन्होंने साथ जिंदगी जीने का फैसला कर लिया था या करने वाले थे, उन अर्ली स्टेज लव बर्ड्स के लिए एक बार फिर 2008 में SRK शोड कि साथ जीकर भी साथ रहने वाले के लिए कैसे जिया जाता है, कि when in love, how completely changing yourself just to catch a glimpse of happiness on your companion's face is justified। How while searching for the extraordinary, we can find love in the ordinary. How doing everything possible to relieve your partner from the pain they are in is sacrosanct.
how crucial it is to set your love free and not keep it caged. How sometimes the best thing for a relationship is letting go. और अगर आपको एक दूसरे में रब दिखे तो बस मान लो कि वो ऊपर वाला रब भी आपकी मोहब्बत में आपके साथ है। अब वैसे बोलने को तो आज का सारा एपिसोड में SRK की थीसिस ही देता जाऊं, पर आई थिंक आई शुड पॉज फॉर नाउ एंड लीव द रेस्ट फॉर अनदर डे। तो मेरी तरफ से फिलहाल बाय बाय है, सॉरी नेवर से गुड बाय, कभी अलविदा ना कहना। ऑलवेज से हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।